बढ़ते रोड को ऐसा निकल के आते ये चीज़ याद रखो, इसलिए मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। Hey guys, welcome back to the channel. Another day, another vlog. तो अभी अपन जा रहे हैं अंबरनाथ, क्यों जा रहे हैं पता चलेगा। स्टेडियम अभी सीधा बाइक पे मिलते हैं, पूरा रेडी पूरा, देखो पीछे ऐसा ही पड़ा रहता है। सो चलो लेट्स गो गो गो। ओके ओके, सो हे गाइस, अभी बज चुके 2:52 और अभी अपने को जा रहे हैं अंबरनाथ बदलापुर साइड। क्यों जा रहा है अभी आपको वो थंबनेल से तो पता चल गया रहेगा, बट फिर भी वीडियो के सस्पेंस के लिए मैं बना के रख रहा हूँ। पहले तो जाते अभी गाड़ी वॉश करते, सबसे पहले वो काम करना है, उसके बाद अपने को निकलना। तो यहाँ पे हमारा वॉशिंग सेंटर है ऊपर खरने में बड़ा वाला, यहाँ पे कार बाइक सब कुछ वॉश होता है, बस यहाँ पे गर्दी ना हो। वॉश नहीं, पानी वाला। अपना गाड़ी अभी यहाँ पे लगा दी है वॉशिंग के लिए और अपन भी अभी यहाँ पे है, तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है और फिर निकल जाए। और अपना गेटअप ऐसा ही है, ऑल टाइम फेवरेट। अभी भाई लेट हो चुके हैं, 10 मिनट लेट है, अपने को निकलना था थोड़ा जल्दी। देखते अभी वॉश कर दे फिर निकल दे, गाड़ी वॉश होना जरूरी है। गाड़ी वॉश हो चुका है, अभी इसको निकालेंगे, वो उनको हो रहा नहीं शायद से, हेवी है ना भाई गाड़ी, इसके लिए अभी उसको पोछेंगे और फिर अपन निकल जाएंगे। तो मैं आपको लुक्स दिखाता हूँ गाड़ी धोने के बाद, भाई क्या चमकती है भाई, यही तो मैट कलर की खासियत है भाई। जितना भी गंदा हो एक बार पानी गिर जाए तो भाई मज़ा आ जाता है, एकदम ब्रांड न्यू हो जाता है गाड़ी। गाड़ी भी अपना चमचमाते हुए रेडी है, तो अभी निकलते फटाफट, लेट्स गो। गणपति अप्पा और या 37, लेट्स गो निकलते भाई। वॉशिंग तो हो गया, मेरे को वॉशिंग वालों का एक ही पसंद नहीं कि वो लोग साले क्या बोलते हो, ये नहीं करते अच्छे से पहुँचते नहीं, वॉशिंग वाले अच्छे से पहुँचते नहीं बाइक को। तो पानी का प्रेशर तो ठीक है बट वॉश भी करना चाहिए ना भाई, उसी के लिए तो अपन आते हैं। तो ठीक है कोई नहीं, मैंने ही पहुँच लिया बाद में मेरे ही कपड़े से, इससे भी शूट नहीं करता। तो 40 रुपये लिया है खाली प्लेन पानी का, अपना मैट कलर है ना, तो अपन शैम्पू वैम्पू नहीं यूज़ करते, अपन खाली प्लेन कलर ही यूज़ करते। चलो गाड़ी तो भाई चमक रही है एकदम और अपन भी चमक रहे हैं, बस आज मेरे पास मेरे ग्लासेस नहीं है, मैं लेना भूल गया। मैंने बहन को भेजा लेने के लिए पर उसको मिल रहे नहीं थे, तो बोला भाई लेट हो रहा है, इससे अच्छा अपन निकल लेते। चलो लेट्स गो मैन, और फिर अपन मिलते हैं आगे, बाय बाय। तो भाई लोग याद रखो, जिनको भी कंफ्यूजन होता है थाने बेलापुर रोड से, अब अपन थाने साइड जा रहे, तो ये जो गंदुली के यहाँ पे ब्रिज आता है ना, यहाँ से अपन साइड से जाओगे या सामने जाओगे ना तो आगे थाने चले जाओगे। यहाँ से अगर लेफ्ट लोगे ना, राइट लोगे ना सॉरी, तो आप पहुँच जाओगे शिरफाटा कल्याण साइड। तो अपने को ये लेफ्ट लेना है क्योंकि अपने को बीच में से जाना है, तो ये रोड से अपन जाएंगे MBP या फिर शिलपाटा वो वाला रोड पे। तो हमें ये चीज़ याद रखो, इसलिए मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ताकि ये क्लियर करूँ, मुझे भी मुंबई साइड में अगर क्लियर नहीं होता। अभी ये रास्ता अपने को पता है तो अपन ठोक के बोल सकते कि ये ऐसा क्या कर रहा है भाई, भाई क्या कर रहा है। चलो वाह वाह, मतलब दोपहर के 3 बजे अपन निकल चुके, अपना काम है, थंबनेल टाइटल से पता चल जाता है यार, फिर भी अपन सस्पेंस वस्पेंस खेल देना बाहर है अपने लिए, लेट्स गो। और गाड़ी का चमक रहा भाई धोने के बाद, मज़ा आ जाता है मुझे ऐसे ही, अच्छा लगता है गाड़ी को वॉश करना हमेशा, मैं खुद से करता हूँ हमेशा, बट ये बहुत ही गंदी हो चुकी थी और लास्ट नाइट के बाद मैं इसको धोया नहीं था इससे, तो सोचा अभी काम करने जा रहे तो धो लेते, लेट्स गो।
जाने के लिए आपको इधर उधर मुड़ना नहीं, सीधा ब्रिज पकड़ लें और चलते जाना है। मेन सीधा रोड है, देखो यहाँ पे लिखा है कल्याण शेर पाटा, सीधा चलते जाना है। लेट्स गो। सामने पहाड़ क्या दिख रहे हैं भाई, पहाड़ों में जा रहे हैं अपन, पहाड़ों में। ये साइड भी एक बार मेरे को जाना है ट्रैकिंग करने के लिए, जाएंगे अपन जाएंगे। थोड़ा अपना दो तीन दिन का बफर टाइम है, वो थोड़ा क्लियर कर रहे दो फिर अपन जाते हैं। ट्रैफिक तो है भाई, मुझे लगा था खाली रहेगा इसलिए मैं ये टाइम चुना था जाने के लिए, बट नहीं खाली नहीं है, ट्रैफिक तो है। ओके ओके। और भाई ये रास्ता मेरा इतना गंदे गंदे स्ट्रीट वे करते और अपन दिख रहे हैं पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, हो गया क्या सामने पुलिस वालों को पता लग गया कि वही वही वो साइड आ रहे हैं वही। तो चलो आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं रोड को, ऐसा निकल के जाते हैं। वाह 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 वाह, ए या ला 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 ला, नीरा नीरा। और भाई साहब मचा रहा है आपका भाई, हो रहे तो 25 यार। बस GoPro मिल जाए मेरे को, एक अच्छा डील नहीं मिल रहा मेरे को, बहुत महंगा जा रहा है, आउट ऑफ द बजट जा रहा है मेरे। यस। और अपना इनकम भी कुछ नहीं है तो अपन इतना महंगा चीज़ नहीं ले सकते अभी। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग सब्सक्राइब करोगे, अपना मतलब कितना 600 आंकड़ा क्रॉस हो चुका है सब्सक्राइबर्स का, और अभी 400 भी नहीं, कितना 370 या 380 सब्सक्राइबर्स चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए। और अपना तो वॉच टाइम तो भाई 5000 के ऊपर चला गया है, बस सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो गाइस डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर मैन, शेयर, डू व्हाटएवर माय गाइस। वाओ ह्यूज मैन, ह्यूज। ये रोड से ना भाई मचा देंगे, मेरा मन कर रहा है यहाँ पे रुको और एक फ़ोटोशूट करूँ, पर मन ये भी कर रहा है कि आगे चले जाओ क्योंकि ये रास्ता सेफ नहीं है रुकने के लिए। मतलब इतनी गाड़ियाँ आती है, ट्रक्स रहते हैं भाई, उड़ा के चले जाएंगे, नहीं देखेंगे ऐसा सीन देखे। ला ला ला। और अभी रुक नहीं है ना, बस अभी निकलना था तब सूरज का ऊपर से भाई बादल से कवर हो चुका है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और यार जो गॉगल मेरे को चाहिए ना वो कभी नहीं रहता यार, वो उधर ही मिलता है, मेरे दोस्त को बोलना पड़ेगा गाँव से भेज मेरे को। यार वो भाई वो गॉगल कुछ बोलो अलग ही था, कुछ बोलते ना कुछ खास चीज़ें होती है और वो लिमिटेड ही रहते, तो वैसा वो गॉगल। मज़ा आ रहा है भाई, ये वादियों में गाड़ी चलाने को, वादियाँ बोलो दोनों साइड से भाई, डोंगर डोंगर और बीच में आपका भाई मचा रहा है बाइक पे। और ये रोड पे ना मेरे को अभी 4 राउंड मारे, अभी एक जा रहा है फिर आएगा फिर जाएगा और फिर घर जाएगा, ये 4 बार आने वाला है। तो भाई अभी मैं बोल ले तो बाद में पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके लिए अभी आउट रखा है पूरा 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 निचोड़ेंगे, क्या बोलते हो पब्लिक फुल मचाएंगे। और ये जो रहता है यही से अपना शेरपाटा का टर्न लेना रहता है राइट, तो अपन पहुँच के वापस जो पहला ही मोड़ आता ना वही लेना है आपको, आगे किधर जाना नहीं, आगे से भी जा सकते हो बट इधर से थोड़ा नज़दीक है। तो लेट्स गो। ए भाई ए भाई, मुझे लगा आ गया मेरे पे भाई। और ये फॉर्च्यूनर भाई, चल चल भाई जगह दे मेरे को, खाली होकर जगह रोक रहे हैं। और ये रास्ता ना भाई क्या बताओ, इतना मक्खन कर दिया है ना अभी, मतलब लास्ट टाइम मैं आया था रात को आया था तब मैं शूट नहीं कर पाया इसका, बट अभी देखो ना भाई क्या रोड है। पहले ना ऐसा पत्थर वाला था, ऐसा प्लेन रोड नहीं था भाई, और साइड से भी नहीं था कुछ, अभी करके रखा है भाई, सही किया है। पहले इधर इतना जाम होता था, जाम इधर ही 1-2 घंटा लग जाता था इधर से उधर तक, मतलब 200 या 300 मीटर भी नहीं रहेगा, 150 तक रहेगा साइड से। हाँ 150 मीटर का पैच क्रॉस करने के लिए लगता था 1-1.5 घंटा, क्योंकि रास्ता ख़राब, अंधेरे में कुछ दिखता नहीं। अभी ये रिफ्लेक्टर वैसे दिखता है रात को, रात को जब दिखा गया तो पता चलेगा, बट नहीं दिखता था। और भाई गाड़ियाँ मतलब बड़े बड़े ट्रक बाइक कार वाले से अटक जाते थे बीच में, इतना गंदा रास्ता था, बाइक भी अटक जाता था अगर गलत जगह पे डाल दिया तो, ये सब चीज़ का तो बहुत टेंशन आता था। पर भाई क्या व्यू है यार, मचा रहे अपन। और अभी देखो यहाँ से स्लाइड पूरा डाउन हिल है, अभी ऐसा अपन है फिर थोड़ा ये और फिर डाउन, ऐसा रास्ता है पूरा। और वहाँ पे आगे अपने एक दोस्त रहती है, उसको अभी नहीं मिलना है, तो अभी वो यहाँ पे है ही नहीं, कैसे मिलेंगे यहाँ पर। यही बोल रहा था भाई, ये जैम दिख रहा है जैम,
अभी अपन बाइक पे इसके लिए अपने को जाम नहीं रहेगा, अगर कार में रहते ना भाई उधर ही रुकना पड़ता। अरे भाई गलती किए, लेफ्ट साइड में गाड़ी रखे। अब ये जैम कब खत्म होगा पता नहीं, उस साइड से जाना चाहिए था लगता है मेरे को। वो देखो ना क्या जैम है यार, ये जैम की वजह से इधर दिक्कत आता है, बाकी कुछ नहीं। रास्ता अच्छा है तो इतना कुछ दिक्कत नहीं आता, पहले बहुत आता था भाई बहुत। ओके छुट गया। अच्छा मुझे लगा अभी छुटेगा ही नहीं, तो अपन अटक के मर जाएंगे। अपने को जाना है सीधा, बट ये गाड़ी वाला अपने को जगह नहीं दे रहा, और अपने को जाना है, अपने को उधर जाना है उधर। यहाँ पे ना इतना गर्दी रहता है ना, पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं, और इतने चालान फटते ना यहाँ पे। इसके लिए भाई हेलमेट पहनो, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करो, फिर तो क्या होएगा, आपका ही जान बचेगा भाई, पुलिस वाले का थोड़ी जान बचेगा और फाइन भी बचेगा, क्या बोलते हो? चालू है ना, लेट्स गो। चलो भाई, और भाई फाइनली सिग्नल छूट चुके और अपन भी निकल चुके। चलो अपने को आगे जाना है भाई, बहुत आगे जाना है। बट भाई रुकना हो, ये प्लेजर वेदर रहे, थोड़ा पसीना आ रहा है, बट गाड़ी चालू है तो अच्छा लग रहा है। वो पसीने से मेरे को ठंडक मिल रही है। क्या चीज़ क्या करता है धंधा? नहीं भाई यही तो धंधा है, क्यों बोलते हो तो सब्सक्राइब बनता है भाई, सब्सक्राइब। हरिहंस हरिहंस वाले बहुत बिल्डिंग मानते हैं। अग भाई माजा पिंटिया, ये वाला रील बहुत चल रहा है अभी। अग भाई। अपने को किधर से तो एक राइट लेना है, बट वो यहाँ है आगे मेरे को नहीं आइडिया, तो अभी मैं थोड़ा आगे रुकता हूँ एक खाओ वाली जगह देख के, और फिर अपन। और यहाँ पे है अपना चालू रथ ढाबा, और कोकोन रत्न इसके आगे चालू है। यहाँ पे हम लोग आते थे वाटर पार्क से खाने के लिए, वाटर पार्क जाते थे उधर नहीं खाते थे, वाटर पार्क में मस्ती करते थे, भूख लगी तो बाहर आते थे इधर खाते थे, फिर से वाटर पार्क में जाते थे, क्योंकि इतना पैसा नहीं था यार। चलो कोई नहीं। अरे यार इधर रुक सकते हम, आगे रुकते हैं। एक ही थोड़ी छाव है, ऐसा बोलता हूँ ना तो मेरे को छाव नहीं मिलता आज। ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है और मैं इसका गवाह हूँ। और भाई पिछले आधे घंटे से मैं जैम में फंसा हूँ पूरा इधर ही, जो अभी तक मेरे को 14 किलोमीटर जाना है, और 1.3 किलोमीटर के लिए मुझे ना और एक घंटा दिखा रहा है, तो जैम उधर तक लगा है, क्या कर लेगा। इसको बाय करता हूँ फिर मिलता हूँ। लेके नहीं, बट भाई रास्ता मिल रहा है, मैं उधर से डाल रहा हूँ भाई। गाड़ियाँ जा रही है यहाँ के लोकल से, लोकल ही ऐसे रास्ते बता सकते मेरे को, मैं खुद से तो ऐसे रास्ते पे नहीं जाएगा कभी भाई साहब। पहली बार मैं ये रास्ता यूज़ कर रहा हूँ, और इतना गंदा जाम, वो भी दोपहर के टाइम पे, मतलब बोल सकते हो 25 काम तमाम, और मैं पसीने से लथपथ हो चुका हूँ। क्या यार बहुत गंदा सीन है, अच्छा बहुत गंदा। तो भाई लोग फाइनली वो ट्रैफिक को बाय करके अपन पहुँच चुके, अभी अपने को यहाँ से लेना है राइट, यही भाई साहब। यहाँ पे कोई किधर से भी आ रहा है यार, यार हालत में आ गई मेरी। यहाँ से राइट लेना था, राइट लिया है, अब चलो भाई अभी यहाँ से अपने को सीधा जाना है। भाई वो ट्रैफिक ना, मुझे लगा मैं मरने वाला, इतना गंदा ट्रैफिक यार, मतलब वो जो 1.5 किलोमीटर था ना जिंदगी का सबसे बुरा 1.5 किलोमीटर था। और ये देखो भाई जाने के टाइम पे कैसे लगने वाली। अपन कौन बोल रहा है गाड़ी और के? अपन कौन बोल रहा है? चलो मैडम रॉन्ग नंबर लग रहा था। अरे भाई बाइक चालो तो सारे हेडफोन ही फोन चल रहा है, बाइक चालो तो बांधे की हल्दी है ना। हेलो तू कुठे इकड़े आलेस का? अरे तो पहले बोलने का ना, अभी बता दे, अभी मैं
दूसरा रास्ता ना यहाँ पे अभी तक सही प्लेन है, मज़ा आ गया उधर। वो भाई वही इलेक्ट्रिक पार्ट था उधर का ये रोड पे, बस उसके बाद तो भाई प्लेन ही रास्ता है, बाकी तो दिक्कत ही नहीं है। अच्छा है, फटाफट पहुँच जाएंगे अपने को। 7 किलोमीटर सीधा जा रहे हैं रास्ते और फिर एक टर्न लेने अंबरनाथ जाने। अपन अंबरनाथ आ गए भाई, अंबरनाथ जाने का। यहाँ पे कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे यार, इसमें तो बहुत मैंने आएगा यार। अंबरनाथ रोक रहे थे तो रह सकते हैं भाई, मेरे को मेरे घर के अलावा हर चीज़ बुरी लगती है। हाँ भाई बस क्या कहें, अभी मेरा घर वहाँ पे इससे मेरे को ऐसा लगता है, मेरा घर नहीं रहता तो भाई चीज़ होते तो बड़े बड़े भाई साहब। मतलब 4 बज गए अभी भी अपना 4 किलोमीटर बाकी, और ये रास्ता ना पूरा भाई ऐसा ही था अभी तक, जो ट्रैफिक छोड़ने के बाद भाई मज़ा आ गया। हरियाली, बीच में छोटे छोटे गांव लग रहे हैं, बट ट्रैफिक नहीं लग रहा, ये सही है। ऐसे अपन धीरे धीरे करके जा रहे हैं, एकदम ओवर स्पीड नहीं कर रहे। अभी अपने को अंदर घुसने अंबरनाथ वी आर एंट्रिंग अंबरनाथ, यहाँ से 2 किलोमीटर का रास्ता बाकी है। अभी अपन अंबरनाथ में पहुँच चुके भाई लोग, अभी तक 1.8 किलोमीटर बाकी है और रास्ता खुला खुला अच्छे। भैया लीन कर रहा हूँ भाई लोग, मज़ा आ रहा है मेरे को, और ये मज़ा मैं आप सबको देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब समझ रहे हो सब्सक्राइब कर दो भाई। नहीं सही रास्ता है, मैं यहाँ पे कभी नहीं आया ये रास्ते से, हम लोग पहले ट्रेन से जाते थे ना। मज़ा आ गया, मज़ा सीधा जाना। अभी तक अपन अंबरनाथ में नहीं पूछे, अंबरनाथ नहीं अंबरनाथ यार, प्यास की वजह से मेरा जीभ गला सब सूख गए, और अपने को और जाना है 700 किलोमीटर 700 मीटर 450 के यहाँ से अपने को राइट लेना है। लेट्स सी